नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस विषय की जिसको बहुत दिनों से रोज़ उठता है, रोज़ कुछ ना कुछ फ़ोन आते हैं जो इस विषय के होते हैं। बात करेंगे ऑयली स्किन के विषय में और आपको बताएंगे ऑयली स्किन को ख़त्म करने की, दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। ऑयली स्किन साथियों, जो आपका चेहरा जो आप अपना पाना चाहते हैं उसको रोकने में बहुत बड़ा हिंड्रेंस होता है जिसकी ऑयली स्किन है, और होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं इस ऑयली स्किन को ख़त्म करने की, आपको इस समस्या से निकालने की। बताते हैं आपको होम्योपैथी में ऑयली स्किन को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले साथियों ये बता दें कि आप कोई भी दवा किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा, बिना प्रिस्क्राइब करे कोई दवा ना लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं ये दवा आपके लिए ठीक हो, इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो दवा को प्रिस्क्राइब कराने से के ही लें, ऐसे ना लें। बताते हैं साथियों आपको ऑयली स्किन को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट दवा जो साथियों इम्पॉर्टेंट दवाओं में से एक जो होम्योपैथी में ऑयली स्किन को दूर करने की है, वह है सल्फ़र। सल्फ़र उस हर पेशेंट के लिए बहुत कारगर है जिसके चेहरे पे इतना ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता हो कि चेहरा गंदा हो जाता हो, गंदा दिखने लगता हो। उस स्थिति में ऑयली स्किन को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा सल्फ़र है। सल्फ़र के मरीज़ को नहाना नहीं पसंद होता है, उसे मीठा खाना बहुत पसंद होता है, उसे सर्दी ज़्यादा लगती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम आप में हैं, आपको लगता है कि यह जो ऑयली स्किन है वह आपके चेहरे को गंदा लुक दे रही है, आपके उसके कारण पिंपल्स निकल रहे हैं, एक्ने निकल रहे हैं, तो आप सल्फ़र 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि आपका ऑयली स्किन भी ख़त्म हो गया, आपका दाने भी ख़त्म हो गए और आपका चेहरा चमकने लगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों की, इतनी ज़्यादा ऑयली स्किन है कि बहुत दाने आए और वो दानों के निशान हो गए। अगर यह स्थिति आप में हो कि आपके बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट हो रहा है और उससे निशान आपके दाने के आ गए हैं, तो उस स्थिति को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा बर्बरिस एक्यूफोलियम है। अब बर्बरिस एक्यूफोलियम का मदर टिंचर 5 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल लें और उससे आप कॉटन से चेहरे को लगा लें। आप देखेंगे कि जो ऑयली स्किन के कारण होने वाले एक्ने के स्कार हैं वह भी ख़त्म हो गए, आपके ऑयली स्किन भी ठीक हो गई, यानी ऑयल का सिक्रीशन नॉर्मल होने लगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके फेस पे इतनी ज़्यादा ऑयली स्किन है कि बहुत दाने निकल रहे हैं और फेस पोर हो गए हैं। तो अगर आपके ऑयली स्किन है और साथ में आपके फेस पोर हो रहे हैं, गड्ढे हुए जा रहे हैं दाने निकलने से, मवाद वाले पस वाले दाने निकल रहे हैं ऑयली स्किन होने के कारण, उसमें गड्ढे हुए जा रहे हैं जब वह दाने ठीक होते हैं, तो अगर यह स्थिति आपके है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है सोराइनम। आप सोराइनम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि आपका ऑयली स्किन भी ख़त्म हो गई, आपके चेहरे के गड्ढे भी भर गए और आपका चेहरा साफ और सुंदर दिखने लगा। फिर साथियों एक बहुत अच्छी दवा आती है जो आपके फेस पोर्स से ऑयल को रिमूव कर देती है। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और लगता है कुछ ग्रीसी स्किन हो गई, जमा हुआ है पूरा ऑयल चेहरे पे, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है नैट्रम म्यूरेटिकम। आपने नैट्रम म्यूरेटिकम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका चेहरा भी साफ़ हो गया और सारा ऑयल पोर्स में जो है वह नैट्रम म्यूर दवा ने खींच निकाला और आपका चेहरा नॉन ऑयली हो गया और फिर आपके दाने निकलना भी कम हो गए। तो फेस पोर्स से ऑयल को निकालने की सबसे कारगर दवा नैट्रम म्यूर है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके बॉडी के सारे ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हो गए, आपके हर चीज़ बढ़ी हुई और साथ में आपको ऑयली स्किन भी है। तो अगर आपके बॉडी के सारे ग्लैंड्स हाइपरट्रोफीड हैं और आपकी ऑयली स्किन है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ब्राइटा कार्बोनिकम। ब्राइटा कार्बोनिकम आपकी जो गांठ गिल्टी है आसपास आपके पड़ी हुई है,
गर्दन में, वह सब भी ख़त्म कर देगी और आपके चेहरे की ऑयली स्किन को भी ख़त्म कर देगी। तो अगर आपके शरीर में गांठ गिल्टियाँ हैं, कई लोग होते हैं जिनके चेहरे शरीर में बहुत सारी गांठें होती हैं और उनका स्किन बहुत ऑयली होता है, तो ब्राइटा कार्ब ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह आपकी गांठों को भी ख़त्म करेगी और आपकी ऑयली स्किन को भी ख़त्म कर देगी। एक कंडीशन आती है साथियों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई, ग्रीसी हो गई, लगता है ग्रीस ऐसी चेहरे पर लगा दी गई। अगर उतनी ज़्यादा ऑयली स्किन आपके है तो होम्योपैथी में उस ऑयली स्किन को ख़त्म करने के लिए बहुत कारगर दवा है ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। उस स्थिति में जब आपके बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो गई है, ग्रीसी स्किन हो गई है, पूरे शरीर पर सूजन आ गई है, उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा ब्रायनिया है। आप ब्रायनिया 30 पावर में 2-2 बूंद लेकर अपने ऑयली स्किन को चेहरे के ख़त्म कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके स्किन बहुत ऑयली है और उससे बहुत पसीना आ रहा है। तो अगर यह स्थिति है कि आपकी स्किन बहुत ऑयली है, ग्रीसी है और बहुत पसीना आपके आता है, तो होम्योपैथी में उस सिम्टम को मैच करने की बहुत अच्छी दवा मर्स सॉल है। मर्स सॉल्युबिलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका ऑयली स्किन भी ख़त्म हो गई और जो पसीना एक्सेसिव आ रहा है वह भी ख़त्म हो गया। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके ऑयली स्किन हो गई और आपके कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है। अगर कब्जियत है आपको बहुत ज़्यादा और आपके ऑयली स्किन हो रही है फेस की, तो उस स्थिति को निपटने के लिए, आपकी कब्जियत को ख़त्म करने के लिए और आपके चेहरे की ऑयली स्किन को ख़त्म करने के लिए और चेहरे के दानों को ख़त्म करने के लिए बहुत कारगर दवा है प्लम्बम मेटालिकम। आप प्लम्बम मेटालिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके कॉन्स्टिपेशन को भी दूर कर देगी, आपके ऑयली स्किन को भी ख़त्म कर देगी और आपके दानों को भी ख़त्म कर देगी और आपके चेहरे को खूबसूरत बनाएगी। यह साथियों कुछ दवाएँ थीं ऑयली स्किन को रिमूव करने के लिए, जिससे कि बहुत हमारे साथी परेशान रहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 या फिर YouTube नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। हमें आपके क्वेश्चन का संतोषजनक जवाब देने में बहुत खुशी होगी। आपका हमारा साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर साथियों आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस प्रयास को शेयर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाकर सबसे पहले नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका हमारा साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।